आप बाबा की शरण में हो, बस दो मंत्र याद रखो, बाबा से मोहब्बत करो और श्रद्धा सबूरी। अगर आप इस पे टिक गए, दुनिया की कितनी तो ताकतें आ जाएंगी, कितनी मुसीबतें आ जाएंगी, पर एक हाथ वो बाबा का अगर उन्होंने पकड़ लिया तो बस जिंदगी आपकी फर्श से आप अर्श पर चले जाओगे। साई सीरीज का जोड़ने के लिए सीडी टीवी को सब्सक्राइब करें। सीडी टीवी के नए अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ओम साई राम। ओम साई राम। मैं साई पूजा। बाबा हमारी जिंदगी में कैसे आते हैं, कब आते हैं, ये एक भक्त को तब पता चलता है जब भक्त की जिंदगी बहुत दुखों से गुजर रही होती है और बहुत तकलीफ भरी होती है। हम हाथ छोड़ देते हैं, बट बाबा हाथ कभी नहीं छोड़ते। तो 2001 तक मैंने बाबा को माना। दैट टाइम आई वॉज 17 ईयर्स ओल्ड। उसके बाद मेरी शादी, जो मैंने चाहा था कि मेरी शादी जिनसे हो, और उसके बाद मैंने शादी हो गई और मैंने बाबा को, उस समय इतनी भक्ति नहीं थी, उस समय मैं बाबा के क्लोज नहीं थी। कहते हैं कि भक्ति का स्तर धीरे धीरे शुरू होता है और वो एकदम जुनूनियत तक बन जाता है जब आपकी चाह होती है। तो उस समय मेरी चाह नहीं थी। शादी हुई मेरी मनपसंद, मम्मी नहीं आग्री थी, उनके परिवार वाले एग्री नहीं थे विशाल से मेरी शादी हो, एग्री हुई, शादी हुई। उसके बाद मैं बाबा को भूल गई। तो मेरे पास कोई स्वरूप नहीं था मेरे घर में। मैं पूजा पाठ सबकी करती थी पर बाबा की नहीं करती थी। जब मैं भूल गई तो बाबा को तो मुझे याद दिलाना था मैं हूँ और मैं ब्रह्मांड का नायक हूँ। तुम्हें अपना काम तुम्हारा बन गया, तुम मुझे भूल गई, तो अब हमको अपना वजूद दिखाना था। शायद आज शायद उस समय वो अगर मुझे वजूद नहीं दिखाते तो शायद आज मेरी भक्ति, शायद इतना जो मैं इनको प्यार करती हूँ, शायद वो नहीं होती। कुछ बुरा होता है तो कुछ अच्छे के लिए होता है, ये मेरा मानना है। शादी के 7 साल 8 साल मुझे बहुत सारा दहेज मिला था, बहुत सारा जेवर मिले थे। 27 तोला सोना मिला था, मेरा जेवर जा रहा था ना। मेरे पास नौकरी थी और एक घमंड था मेरे को कि मेरी मम्मी ने इतने लोगों को नौकरी दिलाए, विशाल को भी मिल जाएगी, मुझे भी मिल जाएगी। क्योंकि मेरे पास एक ऑफ़र 98 में ऐसा आया था, मेरी उम्र नहीं थी तो नहीं हो पाया था। अरे मम्मी तो मेरी टेलीफोन एक्सचेंज में है, इतने अच्छे पोस्ट पे मम्मी हैं, तो फिर मुझे भी नौकरी मिल जाएगी, विशाल को तो मिल जाएगी, ये बात का तो गुमान था मुझे। पर मुझे गुमान था ना, और बाबा को गुमान कैसे ख़त्म करना था। मेरे एक एक करके जेवर बिकते रहे, मेरे बच्चे भी नहीं हुए। 2002 में कंसीव हुआ, मिसकैरेज हुआ, फिर बच्चे भी नहीं हुए। बहुत सारा डिप्रेशन, नौकरी नहीं मिल रही है, मम्मी पॉकेट मनी दे रही हैं तो खाना चल रहा है, क्योंकि बहुत नाजो से पली थी, तकलीफें देखी नहीं थी। बट कुछ ना कुछ कमियां ज़रूर हो रही थी। और मैं रोज़ बात बैठ के घर के बाहर, मैं आलमबाग में रहती थी रेलवे कॉलोनी में 57 क्वार्टर में, मैं एक बड़े घर में रहने वाली 57 क्वार्टर में रहती थी, क्योंकि मेरे संस्कार थे, मैंने जैसे शादी की उसको निभा रही थी। बट राह नहीं मिल रही थी, चाह नहीं मिल रही थी, एक एक रुपये को मैं मोहताज होती थी, मम्मी से भी कुछ नहीं कह पाती थी। तो एक दौर ऐसा आया कि मेरे पास खाने को नहीं, मेरे पास चावल पड़ा है, मेरे पास इतना सा तेल पड़ा है, और मम्मी राशन देती थी तो मैं लेती थी, नहीं देती थी तो कोई बात नहीं। बनिया क्या से भी मेरे पास ऐसा एक दौर था कि 5 रुपये मैगी के भी पैसे नहीं होते थे। मेरा बच्चा उठता था तो मुझे डर लगता था कुछ मांग ना बैठे, 5 रुपये भी नहीं होते थे। मैं 1-5 रुपये को ढूंढने के लिए मैं मेरे बाबा के सामने बैठी हूँ, मैं 10 बार अलमारी देखती थी। जब शाम के 4 बजते थे तो जब खुंचे वाले, बताशे वाले, खस्ते वाले जाते थे, मुझे डर लगता था मेरा बच्चा किसी से मांग ना ले। उस समय श्रद्धा थी। बहुत बुरा टाइम देखा। त्यौहार आता था तो हजार निकलती थी कि कैसे हम कपड़े बनाएंगे, कैसे मिठाई लेके जाएंगे। ऐसा भी दौर आया कि रक्षाबंधन आया,
और मेरे पास फटे फटे नोट थे, मुझे मिठाई खरीदने के भी पैसे नहीं थे। लखनऊ के त्रिपाठी हुसैनगंज वाले अंकल आज जिंदा नहीं है, उनका मैं कहूँगी कि जहाँ पर भी हैं शुक्राना और उनको अच्छी जगह मिले। मैं उनको जानती नहीं थी, उन्होंने भी मुझे बोला बेटा आप मिठाई ले, जब देखा मेरे पास फटे फटे नोट है, बेटा जब आप लेके जाओ फिर मैं आपको, आप बाद में दे देना। एक वो टाइम आया क्योंकि मैं बाबा को भूल चुकी थी, अगर मैं बोलती नहीं तो शायद ये मेरे दिन नहीं होते। मुझे बाबा की महिमा का पता ही नहीं था कि शायद मुझे नौकरी भी मिल जाती, पर बाबा को दिखाना था तो मुझे भूल गई है। एक दिन मम्मा के पास मैं गई और मम्मा के पैर सर में तेल लगा रही थी, मम्मा ने से कहा मम्मी मैं बहुत ऐसा ऐसा दिन आया कि ऐसा उदास हो गई मैं, आज वो एक्सप्रेशन भी नहीं है मेरे चेहरे पे जो मैं जो वो उस टाइम में थे मेरे। मम्मा से हार के बोला मम्मा क्या, मम्मी क्या हो रहा है मेरे साथ, नौकरी भी नहीं मिल रही है, मम्मी मेरी बिटिया को हम कैसे पढ़ाएंगे, फीस देने के भी पैसे नहीं हैं, खाने को भी पैसे नहीं हैं, कहीं आने जाने को, मेरे अंगूठियाँ बेच दी, जेवर बेच दिए बिटिया को पालने के लिए, उसको एक डिजीज़ हुई ट्यूबोक्लोसिस श्रद्धा को, उसको दवाई लाना है, मम्मी भी देती थी मैं भी, लेकिन आज मेरी बिटिया बहुत श्रद्धा बाबा की कृपा से बहुत अच्छी हेल्दी है। वो वक्त आया पर मैं जब मम्मी से बैठी तो मम्मा ने बोला तुमने इनकी पूजा करनी छोड़ दी है, शंकर जी की पूजा करनी छोड़ दी है, बचपन में सबकी पूजा किया करती थी, बट साईं बाबा का मुझे ध्यान आया, अरे मैंने तो बाबा को छोड़ दिया, उनके व्रत रहती थी, मैंने बाबा के यहाँ से मम्मी के यहाँ से बाबा के दो फोटो निकाले और अपने घर में ले गई, अपने ससुराल ले गई। 2008 मम्मी के घर में लेके गई, दिन था गंगा स्नान का, मैंने पूजा आरंभ की और दो मिरेकल्स बाबा ने फोटो में दिखाए, जो कि मैंने बाबा का एक साफा है और साफा है बाबा का चेहरा है, और मैं छोटी छोटी से फ़ोटो लेके गई थी, मेरे घर में तो बाबा थे ही नहीं, वो फ़ोटो यहाँ से ब्राउंड हुई दाढ़ी उनकी, तो मुझे लगा कि शायद ये मेरा भ्रम है क्योंकि मैं बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी, मुझे कोई दिशा ही नहीं मिल रही थी, तो बाबा घर में कोई नहीं था और मैं फिर रोने लगी और बाबा ने की दाढ़ी ये काली होती चली गई, ये मैंने अपने आँखों से होते हुए देखा, बाबा कुछ भी कर सकते हैं, मुझे विश्वास हो गया। बाबा ने मुझे ये बताया उस फोटो के ज़रिए, जिस प्रकार तुम मुझे देख रही हो मैं भी तुम्हें उसी प्रकार देख रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। 2008 और आज 2024 है, श्री साईं बाबा ने मेरी ज़िंदगी का रुख ही बदल दिया। सबसे पहले मैं आई थी, मैंने बेटा मांगा, मेरी बेटी थी, बेटा मांगा, मुझे धैर्य मिला। इसमें भी बहुत सारी कहानियाँ, अगर आज मैं एक्सपीरियंस अगर श्री टीवी सचिन को मैं दे रही हूँ तो अगर मेरी आप एक्सपीरियंस सुनेंगे वो ख़त्म नहीं होंगे। मैं इन शॉर्ट आप लोगों को बस एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी कि रिसेंटली अभी बाबा ने मुझे 31 अक्टूबर 2023 में बाबा ने मुझे सपने में आके बोला कि पूजा मैं तुम्हें मौत से निकालूंगा। समझ नहीं आया बाबा ने ऐसा क्यों बोला। सेकंड डे 1 नवंबर को मैं चक्रकुंड पंचवटी में गिर गई 10:30 बजे रात में, और एक लड़का कूदा और मुझे निकाला, हालांकि मेरी हड्डियां टूटी कलाई की इस हाथ की, बट बाबा ने मुझे डूबने से बचाया। ये तो एक मिरेकल मेरा अभी शुरू हुआ है, जैसे कि बताया कि बाबा के आने के बाद मेरी ज़िंदगी में मेरा बेटा पहला मिरेकल था, फिर एक ऐसा टाइम आया कि मेरे पास शिरडी आने के पैसे भी नहीं थे। उस समय क्या हुआ कि 27 लोग आ रहे थे और मेरे पास 3,000 थे, सबसे भीख मांग चुके थे, सब ने मना कर दिया था, और बाबा फिर सपने में आए, और बाबा मैंने अपनी सास से पैसे मांगे थे, मेरी सास ने कहा मेरे पास नहीं है पैसे, मैं चुप हो गई। उस रात भी बाबा सपने में आए और बाबा ने बोला तूने उससे क्यों मांगा, तूने मुझसे मांगा होता मैं देता। मैं खुशी खुशी सुबह उठी और मैंने अपने सास को बोला अरे बाबा ने मुझे बोल दिया है कि तुम उनसे क्यों मांगा, तुम मुझसे मांगती। मैंने हल्के में लिया, मैंने कहा अरे यार मैंने बोल तो दिया पर आएंगे कहाँ से पैसे, और 4 दिन रह गए मुझे जाने के। मंगलवार की बात है, गुरुवार को संध्या आरती में मैं धैर्य को अपने बेटे को लेके, मेरे बच्चों का नाम श्रद्धा सबूरी, धैर्य को लेके मैं रो रही थी, संध्या चैनल पे आरती चल रही थी, और डेट टाइम उसी टाइम मेरे हस्बैंड विशाल को
27,000 रुपए जमीन में पड़े हुए मिले, क्योंकि बाबा ने कहा था तुम मुझसे मांगती मैं देता, तुमने किसी और से क्यों मांगे। पर मैंने कहा कि ये मैंने बोल तो दिया, पर अब तो जो पैसे मिलने वाले वो भी नहीं मिलेंगे। मेरे पास 3,000 थे और बाबा ने मुझे 27,000 दिए, और मेरे को उस वक्त 27 लोगों के साथ में आ रही थी, उनको पता था कि लंबा ट्रिप है, 10 दिन का ट्रिप था, और 10,000 की ज़रूरत थी, बाबा ने मुझे 30,000 रुपये दिए। ये दूसरा मेरिकल है। उड़ीसा में मैं गई, मैं सब लोग नहा रहे थे, मैं भी समुद्र में नहाने चली गई, मैं अपने परिवार से थोड़ा सा आगे गई और एक बाहरी बहुत बड़ी लहर आई, मैं उस लहर में गिर गई और उसमें गोते खा रही थी, और मैंने कहा मैं गई, और मैं बाबा से कह रही थी मैं गई, और मैं गोते खा रही थी, नमक का पानी नाक से मुंह से जा रहा था, मैंने कहा मैं गई, मैं डूब रही थी मतलब उस लहर में, बड़ी लहर में, और मेरे परिवार को नहीं पता था। एक वाइट हाथ आया, एक हाथ आया वाइट कपड़े में, उन्होंने मुझे निकाला और मेरे परिवार में विशाल को बुलाया और बोला कि 2 मिनट और हो जाती तो ये लड़की मर जाती। वो कौन था? तहमत वाइट थी, वाइट शर्ट थी, 35 ईयर्स का एक आदमी, मुझे उस वक्त भी मौत से निकाला। फिर ये सपना, अभी आप मैं बाबा की नगरी में हूँ। फिर एक मिरेकल बता रही हूँ, मेरा बेटा इसी शिरडी में, जब मैं लखनऊ से लेके आ रही थी, उसको बहुत ज़्यादा उसको तबीयत खराब हुई, उसके लूज मोशंस ऐसे हो गए, उसको बिल्कुल, उसको लोग बोलते थे टीबी का रोगी है और सूखे का रोगी है लोग बोलते थे। पैसा था नहीं इलाज कराने का, मैं लेके आई शिरडी, यहाँ पर उसने हाथ पैर छोड़ दिए, डॉक्टर गुलाटी के यहाँ गई, उन्होंने इनकार कर दिया, संस्थान के डॉक्टर के पास गई, वहाँ से फ़ायदा नहीं हुआ। डॉक्टर गुलाटी ने मुझे बोला डॉक्टर दीघे के पास जाओ। उस बात उस पे मैं बच्चे को लेके मैं समाधि मंदिर हर गेट से, उस समय 3 नंबर गेट से मैंने एंट्री की, मैंने VIP जहाँ पे जाते थे, मैंने उस बच्चे को अपने हाथ में लिया, मेरा बच्चा बिल्कुल आँखें नहीं खोल रहा था, और मैंने एक सिक्योरिटी गार्ड से कहा मुझे दर्शन करा दो, मेरे बच्चों को कुछ हो जाएगा तो मैं क्या करूँगी, क्या मुँह दिखाऊँगी ससुराल में। उसने कहा जाइए जाइए, उस समय इतनी भीड़ नहीं होती थी, 2010 की बात है, और मैंने बच्चे को लिया, बाबा से रो रो के बोला, मेरे बेटा जब हॉस्पिटल में एडमिट था और आज 14 साल का हो गया, मेरे बेटे ने एक गोली भी नहीं खाई है, आज वो इतना हेल्दी है। क्या क्या बोलूँ बाबा के बारे में, बाबा के बारे में बोलना छोटी मुंह और बड़ी बात है। बाबा ने वो किया जो मैंने सोचा नहीं। आज पूजा से साई पूजा बन के बैठी हूँ, साई लगाया था, वो इज्जत बाबा ने रखी, अपने नाम की इज्जत रखी है, और हर वक्त अभी तो ये मिरेकल जो मैंने बताए हैं बहुत बहुत छोटे, बहुत छोटे हैं, बहुत कुछ बाबा ने किया। मैंने दुबई में जॉब की, जो सपना मेरी माँ ने देखा था मैं शेफ़ बनूँ, बाबा ने मुझे दुबई में, मैं शेफ़ एज अ शेफ़, मैंने CDP लेवल काम किया, मैंने दिल्ली काम किया, मेरी जो जो सपने बाबा ने मेरी माँ ने देखे, जो जो सपने मैंने देखे बाबा ने पूरे किए। बाबा के बारे में अभी मैं बहुत लंबा एक्सपीरियंस हो जाएगा, मैं इन शॉर्ट मैंने 2-4 एक्सपीरियंस बता दिए, आगे मैं और भी कारवां शुरू करूँगी बाबा के एक्सपीरियंस का, क्योंकि ज़िंदगी, मैंने कहा ना सचिन को कि ज़िंदगी मेरी जो 2008 से 2024 में हज़ारों एक्सपीरियंस है, कभी भी कितने एक्सपीरियंस ले लेना। बस मैं आप लोगों से इतना ही कहूँगी, आप बाबा की शरण में हो, बस 2 मंत्र याद रखो, बाबा से मोहब्बत करो और श्रद्धा सबूरी। अगर आप इस पर टिक गए, दुनिया की कितनी ताकतें आ जाएंगी, कितनी मुसीबतें आ जाएंगी, पर एक हाथ वो बाबा का अगर उन्होंने पकड़ लिया तो बस ज़िंदगी आपकी फर्श से आप अर्श पर चले जाओगे, ये साई पूजा का वादा है, यही मेरा एक्सपीरियंस है। मैं आप लोगों को एक मैसेज देना चाहूँगी इस चैनल के माध्यम से, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ताकि जो एक्सपीरियंस है लोगों तक पहुँचे, जो लोग डिप्रेशन एंजाइटी, जो लोग मरने की कगार पे, किसी दिन मैंने भी ऐसा सोचा था कि मैं भी मर जाऊँगी, क्योंकि ज़िंदगी दिखाई नहीं दे रही थी, तो शायद मुझे सुन के आप जब एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाइए, ताकि लोगों के मन में बाबा के प्रति श्रद्धा हो। हर घर साईं, घर घर साईं, ओम साईं राम, जय साईं।